हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड हेल्दी होंगे। वापस से आ गई हूँ झटपट सी रेसिपी के साथ। आज तो आज की रेसिपी गिलकी की सब्जी है, जिसे नेनुआ भी कहा जाता है बिहार में। तो आज हम नेनुए की सब्जी बनाने वाले हैं, डैट्स मीन्स गिलकी की सब्जी बनाने वाले हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा, यदि मैंने नेनुआ लिया, उसके बाद उसे छील दिया, उसके जो आउटर लेयर है उसका जो छिलका है उसे मैंने उतार दिया है। आप उसे स्क्रैप भी कर सकते हैं बहुत ज़रा सा नाइफ से या स्पून के बैक साइड से। फिर मैंने उसे वॉश करके इस तरीके से काट लिया है, उसे बहुत मोटा नहीं काटा है, थिनली स्लाइस कर लिया है। एक अनियन है जिसे मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं एक पैन को रखूँगी गैस पे और उसे अच्छा हीट कर लेंगे। उसमें फिर हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और ये वाली सब्ज़ी मस्टर्ड ऑयल के साथ बहुत ही यमी लगती है, आप ट्राई ज़रूर देना। जैसे ही मस्टर्ड ऑयल हमारा अच्छा हीट हो जाए, हम उसमें ग्रीन चिली ऐड कर देंगे और इस सब्जी का पूरा जो टेस्ट है वो ग्रीन चिली और अनियन का ही है। अगर आप डाइट पे हो और बिल्कुल आपको तेल मसाला डॉक्टर ने मना किया हुआ या कोई भी रीज़न हो, सो आप ये सब्जी बनाएं। सिर्फ नमक और हल्दी से बनने वाली ये सब्जी है। तो वापस से आ जाते हैं अपनी रेसिपी पे। मस्टर्ड ऑयल भी हेल्दी होता है, आप सबको जैसा कि पता होगा। तो मस्टर्ड ऑयल में हमने ग्रीन चिली ऐड कर दिया। चिली बहुत तीखी नहीं थी इसलिए मैंने 4 चिलीज़ को स्लाइस किया है। अगर ज़्यादा तीखी हो तो आप 2 ही डालें। अनियन ऐड कर देंगे और उसे थोड़ा सा हमें सॉटे कर लेना, जब तक उसका कलर थोड़ा पिंक ना आ जाए। बहुत ज़्यादा हमें अनियन को फ्राई नहीं करना है। तो हमारा अनियन हो चुका है पिंक कलर का, मतलब हो चुका है, वो क्वांटिटी में भी रिड्यूस हो गया है। अब हमने गैस का फ्लेम कम कर दिया और उसमें एक छोटी चम्मच हल्दी ऐड कर दी है। थोड़ा सा क्विक मिक्स दे देंगे उसे और जो हमने गिलकी काट के रखी हुई है नेनुआ, हम उसे ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम इस वक्त लो रखना है क्योंकि इस सब्जी का खुद का जो मॉइस्चर है बहुत ज़्यादा होता है, तो पूरा सब्जी इसके खुद के मॉइस्चर से पकेगा। इसलिए पहले हम स्टार्टिंग में थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पे सब्जी को कुक करेंगे, उसके बाद हम इसे थोड़ा हाई कर सकते हैं। तो इसलिए अभी गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है और उसे क्विक सा मिक्स दे देंगे अच्छे से, ताकि पूरी सब्जी के ऊपर हल्दी अनियन जो है वो बहुत अच्छे से कोट हो जाए। और हम उसे ढक्कन लगा करके 5 to 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। आफ्टर 5 to 6 मिनट के बाद आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा जो है इसका क्वांटिटी रिड्यूस होना भी स्टार्ट हो चुका है। गिलकी जो है खुद का जो मॉइस्चर है वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर चुकी है। अब हम उसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट बहुत ही ध्यान से ऐड करें क्योंकि गिलकी की क्वांटिटी इसकी आधी की भी आधी हो जाती है, बहुत ही थोड़ी होती है। बहुत ज़्यादा ये गलती है, जितनी भी दिख रही है बनने के बाद बहुत ही थोड़ी हो जाएगी। सो सॉल्ट ऐड करते समय हम बहुत ध्यान रखेंगे, पहले थोड़ा ही डालें। तो 1.5 छोटी चम्मच से मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया है। फिर से हम ढक्कन लगाएंगे। इस पूरी सब्जी को हम ढक्कन लगा करके मीडियम फ्लेम पे कुक करते रहेंगे। अब आपको दिख रहा है कि कितनी ज़्यादा इससे सब्जी ने अपना मॉइस्चर रिलीज़ कर दिया है। तो इस स्टेज पे अब हम गैस का फ्लेम तेज कर सकते हैं। तो अब हम फिर से उसे एक क्विक सा मिक्स दे देंगे। ये बहुत ही झटपट से बन जाती है ये सब्जी, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल झंझट नहीं है। बस सब्जी को काटना है और छौंकना है, इतना ही इसमें टाइम लगता है। और बहुत ही हेल्दी है। अगर आप डाइट कर रहे हो, आप हेल्थ कॉन्शियस हो, या फिर आपने बहुत मसाला खा लिया है, बहुत बेसिक सी सब्जी खानी है, तो ये आप खाएं। सिर्फ़ और सिर्फ नमक और हल्दी से ये बनती है सब्जी और बहुत ही यमी बनती है। इसका जो खुद का टेस्ट होता है बहुत ही स्वीट सा टेस्ट होता है। सो आप अब देखो हमारी सब्जी जो है पूरा उसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो चुका है, हमारी सब्जी बन करके हो गई है तैयार। तब हम उसे डिस आउट कर लेते हैं। आपको दिख रही है गिलकी कितनी सॉफ्ट और टेंडर लग रही है और बहुत ही जूसी भी हो रही है, सब्जी बहुत ही यमी होती है। तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हो या ज़रा भी हेल्पफुल लगता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।